बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही, बहुत परेशान हो, बहुत, पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकाल कर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो, बेलपत्री एक जो इसको जान गया वो जान गया, एक बेलपत्र। वो कहते हैं ना, दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है। कहीं जाते हो पर्स में दवा लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के तो बोलो, जाते हो? पर्स में दवा लेकर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो पर्स में दवा साथ रहती है। हम निवेदन करेंगे पर्स में दवा साथ लेकर जाओ, मना नहीं है, पर अपने घर से जब निकलो तो अपने माता पिता को प्रणाम करके निकलो तो सिर पर दुआ भी साथ लेकर जाओ, दुआ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तब जाकर कुछ सुख अनुभव होता है। ये तुमरुक का जो नाम है ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस, एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को, हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोरेसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का, शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। एक लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा,
उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए, शंकर जी पे धीरे धीरे कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए, पांचों बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। पांच बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में पांच बार उस बेलपत्र को खाना है और जल को पांच बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर, बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, पांचवी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर, एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रूका जी का नाम लेकर आप अगर कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के सातवें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए, शिव जी को रोज जल चढ़ाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव।